वाराणसी में बीते दिनों हुए नेशनल बास्केटबॉल मास्टर टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इस टीम का नेतृत्व करने वाले सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सिरसा के SP अर्पित जैन ने सिरसा पहुंचने पर सम्मानित किया और कहा कि बाकी पुलिसकर्मी भी नरेश कुमार की तरह खेलों में भाग लेते रहें ताकि पुलिस के फील्ड में होने वाले तनाव से दूर रहें। सिरसा पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि वो लंबे समय से खेलों में दिलचस्पी रखता है। हाल ही में वाराणसी में हुए बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम गोल्ड मेडल जीती है। नरेश कुमार ने बताया कि अगर हम खेलों में दिलचस्पी रखेंगे तो बुरी आदतों और नशे से दूर रहेंगे और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूं कि वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो गेम्स में भाग ले ताकि वो तनाव मुक्त भी रहें और फिट भी रहें। अब तो हम 11 से 14 फरवरी तक काशी विश्वविद्यालय बनारस में ये मास्टर गेम नेशनल 5वीं थी वो चली थी, जिसमें मैं खुद 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप में खिलाड़ी था और हरियाणा टीम का कैप्टन था। तो उसमें हमने सभी टीमों को हरा के फाइनल में केरला को हराया एक तरफा और गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल हरियाणा की टीम बास्केटबॉल 45 प्लस में गोल्ड मेडल है और दो टीमों का मैं कोच था लड़कियों का, हैंडबॉल की 30 प्लस जिसमें भी केरला को हरा के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता हमने, और बास्केटबॉल की 30 प्लस लड़कियों की टीम थी उसका भी मैं कोच था, लेकिन बदकिस्मती थी कि हमारी कुछ लड़कियां जा नहीं सकी ड्यूटियों के कारण, तो हम लास्ट टाइम में 4 पॉइंट से सेमीफाइनल में हार गए केरला से और सेकंड पोजीशन रही हमारी। नरेश की इस उपलब्धि पर सिरसा के SP डॉक्टर अर्पित जैन ने उनको बधाई देते हुए कहा कि वे सभी पुलिस वालों को यही कहते हैं कि नरेश की तरह खेलों में या किसी अन्य गीत गतिविधियों में दिलचस्पी जरूर रखें, ऐसा करने से शारीरिक और दिमागी तौर पर हम ठीक रहते हैं। हमारे सिरसा जिले के काफ़ी कॉम्पिटेंट सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार जो 5th मास्टर्स गेम्स थे वाराणसी में नेशनल मास्टर्स गेम थे उसमें 3 मेडल मिले हैं, 1 मेडल इनको डायरेक्टली जो है वो मिला है और 2 अजय कोच जो है उन्होंने इनकी टीम को दिलवाया है, तो काफ़ी इसमें कठिन परिश्रम इन्वॉल्व है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। मैं यही बोलूँगा कि सभी को मैं हमेशा अपने पुलिस वालों से बोलता हूँ कि जीवन में एक दो हमको जो हॉबीज़ ज़रूर होना चाहिए वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो किसी को बुक रीडिंग राइटिंग का है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को म्यूज़िक का शौक है, तो वो सबका होना चाहिए और उसको हमको डेली टाइम भी देना चाहिए, उससे हम मेंटली इमोशनली काफ़ी जो है मजबूत रहते हैं। और खेल भी एक बहुत अच्छा इसमें माध्यम है, जब आप खेलते हैं तो पूरे दुनिया को भुला देते हैं, उसी में तल्लीनता से लगे रहते हैं, तो खेल ओवरऑल सारा हमारा जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मैं बोलूँगा भावनात्मक रूप से हमारा विकास करता है। अर्पित जैन ने कहा कि नरेश कुमार सबके लिए एक उदाहरण बने हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर पुलिस लाइन में नरेश कुमार की सेवाएं ली जाएंगी ताकि पुलिस कर्मचारी खेलों की तरफ भी ध्यान रखें। सिरसा से सत्ताम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।